यहाँ पर अभी हमने पेंट इंडस्ट्री की बात की थी और उसी के बारे में केतन मेहता जी एक पूछ रहे हैं कि ग्रासिम ने हाल में पेंट व्यवसाय में कदम रखा है, तो क्या इस पर आप अपनी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? ये पूछेंगे तो जरूर करेंगे, फिर तो हमें करना ही पड़ेगा। सवाल तो वही है। अच्छा देखिए, ऐसा है कि हर नए नई एंट्री अगर कोई बड़ा प्लेयर करता है तो एक छोटा डाउट तो मन में बनता है, क्योंकि इनके पास कैपिटल अच्छा खासा रहेगा, तो वो डाउट बनेगा। लेकिन कोई भी प्लेयर जब तक प्रूव नहीं हो जाए तब तक उसको बहुत बड़ा थ्रेट नहीं मानना चाहिए, पहली चीज मुझे जैसा लगता है। और दूसरी बात, पेंट इंडस्ट्री के खुद की अपनी परेशानियां चल रही हैं, जो वैल्यूएशन रिलेटेड परेशानी, तो पहले उससे जूझ ले जितने स्टॉक्स हैं, उसके बाद फिर कंपटीशन की बात आएगी। तो कंपटीशन में ये होगा कि शुरुआत में थोड़े मार्जिन्स इंपैक्ट होंगे, तो जब तक वो चाहेंगे कि कैश बर्न करना है तब तक करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा तो फिर ग्रोथ के अगेंस्ट में फिर डिमांड भी आनी चाहिए पेंट के लिए। तो उसमें थोड़ा बहुत कैनिबलाइजेशन ऑफ वॉल्यूम्स हो सकता है फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उतना हो सकता है, लेकिन मार्केट साइज बड़ा है। और आप 5-10 साल, ये भी जब ग्रासिम आ रही है तो 2 साल के लिए तो नहीं है, ये आ रही होगी तो 20 और 50 साल के हिसाब से आएगी, उसके हिसाब से देखेंगे तो इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, इनको सर्विस करने के लिए बड़ा मार्केट है। तो कंपनी स्टैंड पॉइंट से इनको काफी अपॉर्चुनिटी है, और हमारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के स्टैंड पॉइंट से वो तो जब जब जो जो कंपनी रहेगी जिसमें बनेगा वैल्यूएशन से बेटर अप्रोच, वहां से हम लेके पड़ेंगे उसको। जी, वैसे टेक्निकली ग्रासिम कैसा लग रहा है? क्योंकि इसमें मतलब पिछले कुछ महीनों से तो एक डाउन ट्रेंड छोटा सा बनता हुआ दिख रहा है। होप भी है, डर भी है। होप ये है कि एक बार 200 डीएमए से सपोर्ट लेके आया है और अभी जस्ट उसके पास रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि 1675 के पहले ये 200 डीएमए फिर से टूटने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। तो फिलहाल यही कहना ठीक रहेगा कि 1550 और 1675 या 1700, 1550 टू 1700 ये रेंज को रख लीजिए, और जिधर भी टूटेगा उधर फिर मूवमेंट आएगा, उसके पहले इसमें मूवमेंट नहीं आएगा।